नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी, आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6th क्लास से 10th की सामाजिक अध्ययन की जो किताबें हैं, जिनमें जीके कूट कूट के बराबर हैं, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, रीट, पटवार, कांस्टेबल, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, RS, हर एग्जाम के लिए बेसिक चीज़ें यही हैं और यही जीके है आपका सारा 6th से 10th का। और ये सभी विद्यार्थियों को ये निश्चित रूप से पढ़नी होती हैं, तो ये आपको सभी पूरी कराएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्लॉट है, इन किताबों को हम छोटे छोटे भागों में कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। सबसे पहले हम 6th क्लास की बात करें तो 6th क्लास में 3 भाग हैं। पहला भाग है ज्योग्राफी का, भूगोल, जिसमें हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर और पर्यावरणीय प्रदेश, ये 7 चैप्टर हैं। पहले स्लॉट में ये 7 चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। कब से कब तक करेंगे आपको मैं बता दूं शेड्यूल, 20 तारीख से यानी मंडे से रेगुलर ये आपकी क्लास चलेगी। 7 चैप्टर हैं तो 7 दिन, 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तारीख को ये 7वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेली मॉर्निंग में 8 बजे 7 दिनों तक लगातार आपको इनके डेली के एक एक चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। तो ये आपको रेगुलर रूप से अच्छे से पढ़ना है। 8 बजे डेली का सुबह तैयार रहिएगा। और अगर आप बिजी भी हो, कोई काम करें आप घर का, या आप उस समय नहीं पढ़ सकते, तो वीडियो तो 24 घंटे ओपन है, हमेशा ओपन रहेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको चाहे दिन में पढ़ें या चाहे शाम को पढ़ें, जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार का हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि 1 से 7 तक के जो चैप्टर हैं ये हम कंप्लीट करेंगे 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, यानी मंडे से संडे तक। डेली को सुबह 8 बजे आपको फिक्स एक एक चैप्टर का वीडियो मिलता जाएगा। इसके बाद में संविधान से या ये जो है बाल अधिकार संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ये चीज़ें कंप्लीट होगी। और तीसरा इसका भाग है हिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मौर्य है, वैदिक सभ्यता, महाजनकालीन, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आता है। और मैं तो पिछले वर्षों के सब प्रश्न पत्र देख रखे हैं पूरे राजस्थान के, जो भी एग्जाम होता है आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आपके लिए सभी ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया, इसी YouTube पे मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, कुछ और चीज़ें हैं जैसे एक कोई भी अच्छी कॉपी, एक तो रजिस्टर आते हैं रफ रजिस्टर, वो नहीं, वाइट कॉपी हो, लाइनदार पेज, सफ़ेद पेज, अच्छे पेज कॉपी हो, वो आप अपने पास में रखिए, बिल्कुल नई कॉपी बना लीजिए। और जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो वो आप उसमें अपनी कॉपी में उसको बाद में नोट कर सकते हैं आराम से। और इस तरह के आपका जो नोट्स है वो तैयार होता जाएगा सभी किताबों का। और लास्ट तक आते आते आपके पास में पूरा इसका सार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, कंप्लीट सार आपके पास में उपलब्ध होगा। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ें या NCERT, वो देखिए अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहे, क्योंकि अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपके सामने हैं ये NCERT के अकॉर्डिंग ही आ रही हैं, तो इसलिए वो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और चूंकि हमें राजस्थान के एग्जाम देने हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ही हमें पढ़नी हैं। तो एक तो काम ये हो गया 7 दिनों तक, 20 से 26 तक, और दूसरा आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये किताबें आप मार्केट से खरीदें तो भी कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है जरूरी कि खरीदना ही पड़ेगा, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। इनके PDF जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर हैं अगले कुछ दिनों में उपलब्ध करवा देंगे। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, चूंकि ये बोर्ड की किताबें सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये चैनल है, इस चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को साथ में जोड़ें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आप जितना शेयर कर सकते हैं। और एक विद्यार्थी जो है वो कम से कम 10 विद्यार्थियों को ये जो लिंक है चैनल का वो आपको बता देंगे, शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कम से कम 10 विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ें,
ताकि जिन्हें वास्तव में जो जॉब लगने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, उन विद्यार्थियों तक भी ये इसकी पहुँच हो। कई बार कई विद्यार्थियों मालूम ही नहीं चलता कि इस तरह से कोई चैनल भी है जहाँ ये पढ़ाई जा रही है चीज़ें। तो आप इतना तो काम कर सकते हैं कि कम से कम इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। और जब पहली बार जो विद्यार्थी चैनल ओपन करेगा, तो चैनल ओपन करते ही रेड कलर में एक लिखा होता है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करना होता है आपको। एक बार ही करना होता है, एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पास में जो एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, उस पर और लिखा आएगा क्लिक करते ही, यानी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो कम से कम 10 विद्यार्थियों को जोड़ें, एक विद्यार्थी, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। कोई बच्चे हैं पढ़ने वाले, छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं के, उन बच्चों को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते या फीस नहीं दे सकते। ये सब फ्री है, आपके लिए निःशुल्क है। तो ये आपसे विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। और इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टॉपिक है, इससे 20 तारीख से डेली सुबह 8 बजे 7 दिनों का फर्स्ट शेड्यूल हमारा ये है। और देखिए, ऑफलाइन जो क्लास होती है वो जयपुर से बाहर भी होती है, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, पूरे राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वजह से क्या है कि जो समय बहुत कम मिलता है, तो चाहे रिकॉर्डिंग रात को करनी पड़े, चाहे सुबह जल्दी रिकॉर्डिंग करनी हो, लेकिन जैसे भी हो, ये शेड्यूल आपको कि एक बार के लिए 7 दिनों में आपको ये कंटिन्यू वीडियो मिले। इसके बाद नेक्स्ट लोड के बारे में बात करेंगे कि वो आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।